सो है गाइस, अगर आप YouTube से वीडियो अपलोड करते हैं तो आप बिना YouTube के भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप क्रोम ब्राउज़र से भी वीडियो अपलोड करते थे तो आप बिना क्रोम ब्राउज़र के भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करना? जी हाँ, एक YouTube स्टूडियो की नई अपडेट आ चुकी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन। जी हाँ, चलिए तो इस अपडेट के बारे में हम आपको बताते हैं कैसे यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहे। पहले गाइस क्या करते थे हम लोग, YouTube से वीडियो अपलोड करते थे या क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन से वीडियो अपलोड करते थे। लेकिन मैं इस समय मैं बताऊंगा कि आप YT स्टूडियो से भी यहां पर वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। ये YT स्टूडियो की एक लगातार नई अपडेट आ चुकी है, तो चलिए इसी बारे में हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। चलिए तो हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कैसे आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड करना है। तो साइड स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर YT स्टूडियो एप्लीकेशन को हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने का आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप एक प्लस का एक आइकन आ गया। अगर आपके पास नहीं आया तो आप एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं, फिर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट शॉर्ट, यहाँ पर यूट्यूब जो यहाँ पर लॉन्ग जो नहीं होता है क्रिएट वीडियो, यहाँ पर नीचे वाले आप अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना होगा। इन ऊपर वाला शॉर्ट का है, नीचे वाला लॉन्ग का है, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जस्ट आपको क्या करना, अपना एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर थंबनेल वगैरह भी लगा लेना है। जैसे आप थंबनेल वगैरह लगा लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जस्ट आपको क्या करना, अगर आप टाइटल भरना नहीं जानते या टाइटल आप सर्च करना नहीं जानते या जो सर्चेबल टॉपिक का टाइटल होता है उसे कैसे ले, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कैसे आपको वहाँ पर टाइटल और टैग डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें भरनी है, कैसे आपको वहाँ पर सर्च रिलेटेड टैग्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आपको टाइटल जस्ट फिलअप कर लेना है, यहाँ पर टाइटल को उठाकर कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भर देना है। फिर इसके बाद क्या करना, आपको अगर चाहें तो आप यहाँ पर वीडियो को प्राइवेट है तो आपको अनलिस्टेड वगैरह में ही रखना है। तो सारी चीज़ें आपको कर लेनी है, सारी चीज़ें करनी जैसे आप YouTube में करते थे या क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन में करते थे, वही सारी चीज़ें आपको यहीं भी करनी है। जस्ट नीचे अपलोड का ऑप्शन हुआ, अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो यहाँ पर अपलोड होने लगा। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल YouTube की तरह सेम यहाँ पर वीडियो को अपलोड हो रहा है। तो बाकी चीज़ें यहाँ पर वही दी गई हैं, लेकिन आप बिना YouTube के और क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन के यहाँ पर YT स्टूडियो से वीडियो अपलोड करते हैं। जब वीडियो आपका अपलोड होता जाए तो वहाँ पर आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइटल रखना है, डिस्क्रिप्शन रखना और टैग्स यहाँ पर लगाने। अगर ये चीज़ें आप नहीं लगाना चाहते तो मैंने पहले भी बताया था कि इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, कैसे आपको बढ़िया टैग जो सर्चेबल टैग होते हैं उसे कैसे आपको यहाँ पर लेना है। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जस्ट आपको वहाँ पर कॉपी करके आपको वीडियो देख लेनी है। तो आप इसे करके यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स यहाँ पर आसान तरीके से लगा लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिले।